Hey guys, it's me Deepline back again with another video. Guys, मेरा जो पिछला गणपति ब्लॉग था उस पर आपने बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स किए, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. सो गाइज, वैसे मैंने अपनी हेयर कट फिर से टचअप करा दी, थोड़े और छोटे करा दिए बाल. ये जो मेरा वीक था काफ़ी ज़्यादा बुरा गया क्योंकि ऑल द टाइम आई वॉज सिक इन दिस वीक. आधे से ज़्यादा वीक तो मैंने रिकवर ही होते निकाला और अभी मैं रिकवर हो गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ. और गाइज, अभी मैं पढ़ रहा था, मेरी एग्जाम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं क्या करता था जब इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था. तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा था पढ़ाई के टेंशन की वजह से एंड थोड़ी चीज़ें चल रही है मेरे पर्सनल लाइफ में. तो मैंने सोचा मैं वो करूँ जो मुझे दिल से पसंद है, दैट इज़ पेंटिंग. तो आज मैं एक बहुत ज़्यादा खास पेंटिंग बनाने जाने वाला हूँ. तो दिस पेंटिंग इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट देन माई अदर पेंटिंग्स. वैसे मैंने सचिन नहीं लगाया आज पीछे. ओके, देयर इट इज. पीछे जो मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं, सो मैं ऐसी पेंटिंग्स बनाता हूँ और इंटरनेशनली सेंड कर देता हूँ, बेचता हूँ इंटरनेशनली. कई सारे सेलिब्रिटीज के पास भी मेरी पेंटिंग्स है, तो वो आप पेंटिंग देख सकते हो पीछे. दैट इज अ वेरी स्पेशल पेंटिंग्स. ये सारी पेंटिंग्स होती है उनमें तो आपको सब समझ जाता है कि ओके, किसी का पोर्ट्रेट है, बट एक नॉन इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट है. वो आर्टिस्ट तब बनाता है जब उसको कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी होती है, कोई फीलिंग एक्सप्रेस करनी होती है. आज मुझे अपने आप को कैनवस पे एक्सप्रेस करना है, तो दैट इज़ व्हाई आई थॉट अबाउट मेकिंग अ नॉन इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट. और ये वाली जो टाइप की पेंटिंग है ये करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, तो आप भी कर सकते हो मेरे साथ अभी. सो द थीम ऑफ द नॉन इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट आई एम थिंकिंग अबाउट शुड बी जॉय, बिकॉज दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे. आई वॉन्ट टू फील जॉय, आई वॉन्ट टू फील हैप्पी अगेन, एंड दैट इज़ वॉट दिस एब्स्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी अबाउट. और वक्त ज़ाया ना करते हुए लेट्स गो एंड स्टार्ट मेकिंग द पेंटिंग. हमारी पेंटिंग बना के हो गई है कंप्लीट एंड दिस इज हाउ द एब्स्ट्रैक्ट हैज टर्न्ड आउट टू बी. तो यू कैन सी ऑल दीज डिफरेंट लाइंस, यू कैन सी द कलर्स मर्जिंग इन. सो टर्क्वाइज इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स एंड देन देयर इज दिस ब्यूटीफुल गोल्ड एंड नीचे मैंने अपनी सिग्नेचर करा दी. तो यू कैन कीप द साइज ऑफ द पेंटिंग्स एज इट इज और यू कैन पेंट देम ब्लैक. यूजुअली व्हाट आई डू इज आई पेंट माय पेंटिंग्स की साइड्स ब्लैक. अगर आप बड़ी प्रोफेशनल गैलरीज में जाओगे तो यूजुअली कलेक्टर्स लाइक द साइड्स ऑफ द पेंटिंग्स टू बी ब्लैक, इवन इफ द कलर्स ब्लीड ऑन द साइड्स, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट द कलेक्टर्स लव. बट आई यूजुअली मेक द साइड्स ब्लैक टू गिव इट अ मोर प्रोफेशनल लुक. सो ये पेंटिंग गाइस सिग्निफाई करती है जॉय. दिस होल पेंटिंग इज एन इमोशन. मेनी ऑफ द पीपल डोंट गेट एब्स्ट्रैक्ट, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एब्स्ट्रैक्ट, के द आर्टिस्ट पोर्स इज इमोशन ऑन टू द कैनवस. So that is how it is. Go and make your abstracts. आप अपने abstracts बना के किसी को gift कर सकते हो किसी के birthdays पे. Usually my paintings go for a very high rate online because I have built a goodwill. This is not the only type of paintings that I can make. You can see I can make portraits जो काफी ज्यादा difficult होती है. ऐसी type की paintings मैं खुद अपने लिए बनाना पसंद करता हूँ. Whenever I have to express my creativity as an artist, I feel sometimes to create and तभी मैं नॉन इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट बनाना पसंद करता हूँ. तो यूजुअली आई डोंट शो दीज पेंटिंग्स चैनल पे, बट मैंने सोचा कि सारी चीज़ें वैसे भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ की शेयर कर देता हूँ, तो ये क्यों ना शेयर करूँ. वैसे मेरी मोस्ट ऑफ द वॉल्स कवर्ड है राइट नाउ, पर मैं आपको बताता हूँ ये वॉल पे कैसे दिखता है. तो एक छोटी सी वॉल है उधर रेड कलर की, उसके ऊपर एक स्क्रू है, तो उधर रख के देखता हूँ. सो गाइज, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे थे, डीप लाइफ को पहली बार देख रहे थे, तो आई मेक आर्ट रिलेटेड कंटेंट, आई मेक DIY रिलेटेड कंटेंट एंड आई मेक ब्लॉग्स. तो जाके ज़रा मेरा चैनल देखिए और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करना.
Well guys, that was it for this video. Keep making creative content, keep making more artistic, art-related stuff at your home. Keep trying new things. Well guys, that was it for this video. Thanks for watching this video and I'll see you in the next one.